हे मैक्स मैक्स इधर देखो। ओ रोनी ब्रदर, भाई कैसे है तू? बस मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, लेकिन आजकल तुम बहुत बिजी रहते हो फोन में। वैसे अभी कहाँ जा रहे थे आप? यार ये जो बिल्डिंग दिख रहे ना, वो टेक्निकल हाउस है, वहां जा रहा हूँ टेक्निकल हाउस? वो क्या है और वहाँ क्यों जा रहे थे? यार। यूट्यूब चैनल, तू यूट्यूब तो यूज करता है ना भाई पहले? हाँ मैं यूट्यूब तो यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने टेक्निकल हाउस कभी देखा नहीं है। यार यूट्यूब पे सर्च करो और सब्सक्राइब कर उसको। ओ ऐसा है, चलो अभी सब्सक्राइब करता हूँ और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देता हूँ। ओके और सुन, तेरे फ्रेंड को भी बोलना यार, तुम ऐसा मत करना, फ्रेंड को ओके, बोलना। और मैं अपने फ्रेंड को भी बोल दूंगा कि सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे साथ ये वीडियो भी पूरी एंड तक देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो रोनी जैसा बोलता है वैसा इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और ये वीडियो एंड तक देखना पूरी, ताकि आपको पता चल जाएगा कि 59 एप्लीकेशन जो इंडिया में बैंड हुए वो किस तरह की है और कैसे बैंड का मतलब क्या है सही मायने में। तो ये सुपड़ेल आपको इसी वीडियो में पूरा नॉलेज देने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह से, और आप अभी यशु बड़े की वीडियो पूरी एंड तक देख के ही जाना। ओके फ्रेंड्स, लाइफ इज अ गुड छोटा सा बसी है, टेक्निकल हाउस करके ये वही है, सुनिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी की कहानियां, लेकिन जो यशु पटेल लाइव आवाज अब बसी, क्या बोलते हैं आप, सब्सक्राइब करेंगे ना टेक्निकल हाउस का हाउस का हाउस का हाउस का। हेलो फ्रेंड्स, मैं यशु पटेल एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के छोटे से टेक्निकल हाउस में। फ्रेंड्स, 59 एप्लीकेशन बैन हो चुकी है, राइट? ये आप सबको पता है कि 59 एप्लीकेशन बैंड हो चुके हैं इन इंडिया में। तो फ्रेंड्स, जैसे मैक्स ने बताया वैसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द जाकर रेड बटन पे प्रेस कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि 59 एप्लीकेशन बैंड हुई, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग सही मायने में बैंड का मतलब नहीं जानते हैं। फ्रेंड्स, मुझे पता है क्या होता है, कई लोग समझते हैं यार बैंड मतलब अब ये वापस नहीं आने वाले, लेकिन एक चीज मैं आपको याद दिला देता हूँ फ्रेंड्स, कि बैंड टिकटॉक कई बार हो चुकी है, फिर वापस आ गई है, अब वापस बैंड हुई है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि परमानेंटली बैंड शब्द क्यों नहीं यूज करते हैं लोग। जी फ्रेंड्स, इस पे हमें आवाज उठानी चाहिए कि परमानेंटली बैंड कर दो इसको, नहीं कि बैंड, यार ये तो एक गेम हो गई, गेंद उछली कैच हुआ तो आउट, वरना वापस गेंद उछालो, यार क्या चीज है फ्रेंड्स, बल्ला घुमाते ही रहना है क्या हमें वापस बैंड होने के इसी वे में? फ्रेंड्स, अगर आपकी आवाज उठेगी तभी ये वाकई में परमानेंटली बैंड होगी, वरना आपको पता है कि 59 एप्लीकेशन जो बैंड हुई है ना, उसमें से आधी से ज्यादा एप्लीकेशन मेरे ख्याल से वापस आ सकते हैं, लेकिन आनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। ये सारी की सारी एप्लीकेशन चाइनीज एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास कुछ लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें है टिकटॉक शामिल है, जो कि बड़ी एप्लीकेशनों में गिनती की जाती है, झेंडर है जो कि काफी टाइम से सभी लोग यूज करते हैं फाइल ट्रांसफर के लिए फ्रेंड्स, फिर शेयरइट है, फिर यू वीडियो है, कुछ बहुत सारी एप्लीकेशन है फ्रेंड्स जो हमें यूज नहीं करनी चाहिए। जी फ्रेंड्स, यू वीडियो ने तो धमाल मचा दिया था, फिर बिगो लाइव है जो कि बहुत वैसे तो अच्छी ऐप थी लेकिन हमारे लिए खराब थी, क्योंकि वो अदर कंट्री की है, चाइना कंट्री है। जी फ्रेंड्स, कई लोगों ने पूछा कि भाई जेंडर कौन सी चाइना ने बनाई, तो मैं एक चीज बता देता हूँ फ्रेंड्स कि जेंडर है वो ओनली चाइना ने नहीं बनाई, लेकिन उनके साथ किसी कंट्री ने कॉलोप करके बनाई गई है फ्रेंड्स वो एप्लीकेशन, तो प्लीज वो भी चाइनीज ऐप के ही गिनती में आती है। तो पबजी की बात क्यों नहीं आप लोग करते, क्योंकि पबजी में भी अमुक कुछ कुछ परसेंटेज कोडिंग तो चाइना वालों ने किया है ना फ्रेंड्स, क्यों उत्तर कोरिया की पबजी है ओके मान लिया है, ओके भाई हमें उत्तर कोरिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों इससे खामा खा लड़े? तो एक चीज बता देता हूँ कि पबजी है ना वो टिकटॉक जैसी ही थी, अभी पबजी लवर भी बढ़ गए जैसे टिकटॉक लवर बढ़ गए थे फ्रेंड्स। तो एक रिक्वेस्ट दिल से करता हूँ कि अगर आपका ऐसे ही योगदान रहा ना, ऐसे ही सहकार रहा ना, तो जैसे हमने चाइनीज ऐप को निकाला ना, वैसे पबजी में भी गिनती होती है चाइना की ऐप के में, लेकिन उसको नहीं गिना गया, अब इसके पीछे का राज मुझे नहीं पता है फ्रेंड्स, लेकिन एक चीज तो है कि इन लोगों ने बैंड शब्द यूज किया, मुझे थोड़ा अजीब लगा, भाई बैंड क्यों यूज करते हो, परमानेंटली बैंड कर दो ना, कि अगर आप या आपका फ्रेंड या फिर आपका सन डॉटर जो भी हो अगर 12वीं और 10वीं में फेल होते तो उसको फेल ही बोला जाता है, कि उसको ऐसा नहीं बोला आधा फेल हुआ है आधा पास हुआ है, क्यों? क्योंकि वो फेल हुआ है तो वैसे ही बैन हुई है यार, परमानेंटली बैन शब्द यूज करो ना, बैन क्यों यूज करते हो? अब टिकटॉक का तो मुझे पता नहीं, टिकटॉक तो भाई क्या बोले, वो वापस आता है शायद, उसमें थोड़ा अमरूद का योगदान है ऐसा मुझे लगता है, वो मरता ही नहीं है, बैन ही नहीं होता है और आप लोग स्टोरी लगाने लगे हो,
यार क्या चीज है टिकटॉक में, मुझे कुछ समझ में आता है यार। टिकटॉक पहले मैं भी बनाता था, अभी मुझे बहुत गुस्सा आता है टिकटॉक पे यार, चली जाती आती है यार। ये क्या है चीज, क्या लगा रखी है? अगर बैन करने तो परमानेंटली बैन करो ना यार, 59 एप्लीकेशन हमको गिना नहीं, क्यों हम उल्लू है? अबे टेक्निकल हाउस खड़ा किया मतलब ऐसी चीज नहीं है कि हम उल्लू है, राइट? और मेरे फ्रेंड्स को टेक्निकल हाउस सब्सक्राइब के साथ ऐसा धोखा होगा ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अपने इसमें। अगर टिकटॉक वापस आई तो आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं टिकटॉक के खिलाफ ही होऊंगा। यस फ्रेंड्स, सिर्फ गेम ने कि रॉफ्ट कर रहा है तो मैं टिकटॉक पे रॉफ्ट करूंगा फ्रेंड्स। माफ करना, लेकिन टेक्निकल हाउस से मैं एक यूट्यूबर से रॉफ्ट बन जाऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन टिकटॉक नहीं आनी चाहिए टेक्निकल हाउस के लिए से। और से तो यही चीज मैं बोलता हूँ कि टिकटॉक नहीं आनी चाहिए, बाकी कोई भी एप्लीकेशन है लेकिन चाइनीज एप्लीकेशन नहीं चाहिए हमारे फोन में। अब चीज एक और चीज बता देता हूँ मैं कि बैन हुई है सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से इंडिया के लिए। अगर एक चीज आपको नहीं पता तो मैं बता दी, नेटवर्क ऑपरेटर नहीं हुई है फ्रेंड्स। अब एक चीज क्या होता है नेटवर्क ऑपरेटर, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक चाइनीज ऐप अपने फोन में रखे तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है फ्रेंड्स, तो उसे जल्द से जल्द निकालिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्निकल हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये वीडियो ऐसे देखने के लिए यशो पटेल और टेक्निकल हाउस परिवार आपको दिल से धन्यवाद करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो। लाइफ इज अ गुड होता सो बस ही है, टेक्निकल हाउस तक के लिए वही है, सुनिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी की कहानियां, लेकिन जो यशो पटेल लाई आवाज अब बस ही क्या बोल दिया, अब आप सब्सक्राइब करेंगे टेक्निकल हाउस को।